हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आरपी पब्लिक स्कूल सीबीगंज जोगीठेर बरेली में। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 का अल्कोहल, फिनाल और ईथर वाला चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से अल्कोहल्स और फिनॉल्स और ईथर्स, इनके IUPAC नेम और साधारण नामों को कैसे लिखा जाता है ये सीखा था। आज हम सीखेंगे अल्कोहलों के बनाने की विधियां। तो हमारा टॉपिक है अल्कोहलों को बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो इसे हम बहुत सारी विधियों द्वारा बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उनमें से कुछ एक विधियां हम लेते हैं। जैसे पहली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा By ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। ये सबसे पहले तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होते हैं इन्हें देखते हैं। कोई भी एल्किल समूह और उससे जुड़ा होता है मैग्नीशियम एटम और इससे जुड़ा होता है कोई भी हेलोजन परमाणु, तब इस तरह का जो पदार्थ होता है इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमें क्या करना है, अल्कोहलों को इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा बनाना है। तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों तरह के अल्कोहलों को बना सकते हैं। कौन कौन से तीनों? हमने प्राथमिक अल्कोहल को हम 1 डिग्री प्राथमिक और द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को हम प्रदर्शित करते हैं 3 डिग्री, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड 3 डिग्री। तीनों ही प्रकार के अल्कोहलों का निर्माण इस विधि द्वारा हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो उसमें सबसे पहले इनके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इनको जनरल समीकरण द्वारा देखते हैं। अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, या इसे हम बोलते हैं मेथेनल। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराते हैं तब हमें एक योगात्मक प्रोडक्ट मिलता है, एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है। कैसे? देखिएगा क्या होता है, यहां से ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करता है और क्या होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां पर भी सेम जो R है ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इधर का जो पार्ट है ये इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा होती है किसी भी एल्किल समूह की। तो ये क्या करेगा, इस पर है कैसा, प्लस चार्ज, तो ये कहां जाकर के अटैक करेगा, इस कार्बन एटम पर। तब ये कार्बन एटम से जाकर के एल्किल समूह जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, HC। यहां पर एल्किल समूह आकर के एड हो गया है। अब इधर H था, यहां पर एक बॉन्ड टूटा था और O बचा था, इस पर माइनस चार्ज था,
इस पर क्या होगा, ये प्लस वाला जो जितना पार्ट है ये एम जी एक्स आकर के अटैच हो जाएगा। एम जी एक्स ये क्या है, योगात्मक उत्पाद, योगात्मक उत्पाद। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं मतलब जल अपघटन कराएं तो एच ओ एच, तब क्या होगा, यहां से ये एच सी आर और एच क्या होगा, यहां से ये इतना ब्रेक होगा, ये प्लस चार्ज होता है, ये वाला माइनस चार्ज होता है तब, और ये भी क्या होगा, ये तो एडिशनल अलग से लगा था, ये पार्ट अलग होगा, फिर से इस पर प्लस चार्ज सॉरी इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो जितना ये वाला जो पार्ट है प्लस चार्ज है वो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा और इससे जाकर के ये अटैच हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, एम जी ओ एच और एक्स, और यहां पर क्या बनेगा, ओ के साथ अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन और ये क्या बन गया, एल्कोहल आर सी एच टू एच, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, इधर लिख दे रहा हूं, ये आर सी एच टू ओ एच। तो यहां पर जो कार्बन एटम है वो हम देख रहे हैं एक एल्किल समूह यानी कि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तब ये जो उत्पाद बनता है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक कार्बन परमाणु, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी समूह है या फिर अल्कोहल समूह है ये कहां पर जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तब इसे हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। अब अगर हमें द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करना हो तब क्या करेंगे, तब किसी भी एल्डिहाइड चाहे वो एथेनल हो, प्रोपेनल हो, ब्यूटेनल हो, कोई सा भी एल्डिहाइड हो उसे हम यहां पर ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, कोई भी एल्डिहाइड लिया, ये रहा एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो फिर से यहां पर मैं इसको आर डैश कर दे रहा हूं, ये आर और ये आर डैश ये एक जैसे ना रहे, इसको अलग अलग दिखाने के लिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा यहां पर भी, ये इतना पार्ट जाकर के जो एम जी एक्स वाला पार्ट है ये कहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन परमाणु से जाकर के अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा, आर सी और इधर एच, यहां पर आकर के ऐड हो जाएगा ये आर डैश, आर डैश, और इस ऑक्सीजन परमाणु से क्या बनेगा, एम जी एक्स। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तब क्या बनेगा, यहां से फिर से ये एम जी एक्स ये इसके ओ एच वाले पार्ट से जाकर के अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और क्या बनेगा, आर सी इधर आर डैश ये एच और ये ओ एच प्लस का एम जी ओ एच और यही सर रहने देते हैं और एक्स, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड कहलाता है, ये बन गया सेकेंडरी कार्बन एटम। क्यों बन गया,
क्योंकि यहां पर जो कार्बन एटम है ये अलग अलग दो एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है, या हम कहें कि दो कार्बन एटम से जुड़ा है। जब दो कार्बन एटम से जुड़ा होता है तब इस कार्बन एटम को हम कहते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्बन परमाणु, और जब एल्कोहलिक समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तब हम ऐसे एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो यहां पर निर्माण हो गया द्वितीयक एल्कोहल का। बात करें अगर हम तृतीयक एल्कोहल की, तब अब हमने पहली बार में फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मेथेनल को यूज किया था, उसके जस्ट बाद हमने यहां पर मेथेनल को छोड़ करके किसी भी अन्य एल्डिहाइड को यूज कर लिया। अब जब हमें तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करना है तब हम क्या करते हैं, यहां पर कीटोन का यूज करते हैं, आर सी आर डैश, इसको मैंने अलग अलग एल्किल समूह ले लिए हैं। अब इस कीटोन की हमें रिएक्शन करानी है किसी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब बिल्कुल इसी की तरह सेम प्रोसेस क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, और यहां से ये वाला ब्रेक डाउन होगा, इस पर माइनस चार्ज सॉरी प्लस, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, तो ये क्या होगा, यहां ये इस माइनस वाले चार्ज पर जाकर के अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, आर सी ऐसा का ऐसा ही, इधर भी आर डैश ऐसा का ऐसा ही, ये सिंगल बॉन्ड ओ और इससे आकर के अटैच क्या होगा, एम जी एक्स, और ये जो आर डबल डैश एक एल्किल समूह बचा है ये इस कार्बन एटम पर जाकर के अटैच हो जाएगा। ये योगात्मक उत्पाद बना, इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है एल्कोहल में, क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोक्सिल समूह और ये ओ इस हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड हो जाएगा और ये पार्ट यहां से अलग होकर के इस हाइड्रोक्सिल समूह से अटैच हो जाएगा और बना लेगा आर सी, इधर ओ एच, यहां पर आर डैश और यहां पर आर डबल डैश, ये क्या बना, एम जी ओ एच और एक्स। इस कार्बन एटम को देखें तो ये तीन अलग अलग, यहां पर ये R है पहला एल्किल समूह, ये दूसरा एल्किल समूह, ये तीसरा एल्किल समूह, तो कार्बन एटम है यहां पर तीन एल्किल समूहों से अटैच्ड हो रखा है, तब हम ऐसे कार्बन एटम को बोलते हैं तृतीयक या टर्सरी कार्बन एटम। चूंकि ये तृतीयक कार्बन एटम है तब इस से जुड़े अल्कोहलिक समूह है तभी हम इससे बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो हमने देखा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इससे हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही तरह के एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। अगला मेथड है हेलो एल्केनो द्वारा या इसे हम हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल
हैलाइडों द्वारा। हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड के द्वारा हम किस तरह से अल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं वो यहां पर हमें देखना है। तो हम उसे अभिक्रिया द्वारा देख सकते हैं। पहले तो क्या किया, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया तो एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल और हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की जब हम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है, एक्वस मींस जलीय, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा। देखें यहां से, तो यहां से ये हैलोजन समूह इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर लेती है और क्या बना लेगी, के एक्स यानी कि पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। और शेष क्या बचा, यहां से एल्किल बचा है और ये हाइड्रोक्सिल समूह बचा है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे आर ओ एच, और इधर क्या मिला, के एक्स। तो ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और ये बना पोटेशियम हैलाइड। तो हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जलीय KOH के साथ एल्किल हैलाइड यानी कि RX की रिएक्शन कराई जाती है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, क्रिया द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। अगली विधि है एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के, एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की हमें क्या करानी है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करानी है, क्रिया करानी है, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड लेना है, पहले देखते हैं यहां पर हमने आर सी एच ओ एक कोई एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड की हमें रिएक्शन करानी है किससे, हाइड्रोजन से करानी है, मींस इस हाइड्रोजन से इसको अपचयित करना है। तो इसके लिए हमें एक किसी ऐसे उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी जो इस एल्डिहाइड को आसानी से अपचयित कर पाए। तो हम यहां पर निकिल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनमें से कोई सा भी उत्प्रेरक ले सकते हैं। तो इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एल्डिहाइड क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, किस चीज में, इन एल्कोहलों में, कैसे वो देखते हैं। तो R ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहां पर कार्बन, कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH2 और ये ऑक्सीजन भी अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन से और हमारा मेन प्रोडक्ट जो अल्कोहल था उसका फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल।
इनमें से जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो मोस्टली हम इनमें से कोई सा भी यूज उत्प्रेरक कर लेते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा उत्प्रेरक होता है। बात करें अगर कीटोनों से, तो कीटोन लेते हैं, कीटोन को हम इस तरह से, इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला ये होता है, दो एल्किल समूहों से कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और कार्बन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड जो जिनमें कार्बन दो अलग अलग या एक ही तरह के एल्किल समूहों से जुड़ा हो तब ये कीटोन कहलाते हैं। जब इनका हमें अपचयन करना होता है तब इन्हीं में से किसी भी उत्प्रेरक को हम लेकर के जब अपचयन करते हैं तो हमें R, R और ये C और यहाँ पर कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, तो ये बना लेगा CH, R CH और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ेगा OH, तब भी हमें ये अल्कोहल प्राप्त होता है। अब बात आती है ये किस तरह के अल्कोहल हमको प्राप्त हुए, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कार्बन एटम है वो केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी कार्बन परमाणु है, कार्बन एटम है, तब इस तरह का जो अल्कोहल है ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक यानी प्राइमरी अल्कोहल। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की, तो इसमें कार्बन है वो दो एल्किल समूहों से अटैच्ड है, तब हम इसको, इस कार्बन एटम को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम, और इस सेकेंडरी कार्बन एटम से अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, तब ये जो अल्कोहलिक होगा ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगली विधि है चौथी, एस्टरों द्वारा, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जैसे एल्डिहाइड है और अभी हमने देखा कीटोन, ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड थे, एस्टर भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, तो अगर हम एस्टरों का भी जल अपघटन करें तो भी हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। कैसे, तो उसे हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। कोई भी एस्टर, एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आर सी ओ ओ और आर डैश, ये सेम ना लेकर के हमने अलग अलग ले लिए हैं, इसलिए इनको अलग अलग दिखाया है, एक को आर और एक को आर डैश। जब इसकी रिएक्शन हम किसी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तब क्या होगा, देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, यहां से R C O O और Na क्या होता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है, यहां से क्या हुआ, Na ने इस एल्किल समूह को रिप्लेस कर दिया, ये हो गया बाहर। अब यहां से ये क्या करेगा, इस R डैश ये वाला इस अल्कोहलिक समूह से जाकर के क्रिया कर लेगा और बना लेगा आर डैश ओ एच जो कि अल्कोहल है, और ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट कौन सा, इसका सोडियम, अगर एक अभिक्रिया ले लेते हैं पहले इसको, यहां पर जैसे CH3 COO और इधर भी CH3 ही ले लिया है मैंने, तो ये हो गया, इसका नाम हो गया मेथिल एसीटेट,
मेथिल एसीटेट। इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से, तब क्या होगा, यहां से Na इस मेथिल समूह को विस्थापित करेगा और बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O O और Na। इधर क्या बनेगा CH3 और इससे क्या अटैच्ड है OH, तो ये बना लेगा CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल। क्योंकि एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम को हम मेथ बोलते हैं, और क्योंकि ये अल्कोहल है तो नाम हो गया इसका मेथेनॉल। और ये क्या बना, ये बना सोडियम सोडियम, और ये समूह कहलाता है एसीटेट, तो ये इसका नेम हो गया सोडियम एसीटेट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब एस्टरों का सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन कराया जाता है तो हमें सोडियम का लवण और साथ ही साथ अल्कोहल की प्राप्ति होती है। अगली विधि है एल्कीनों के जल योजन द्वारा, जल योजन द्वारा जब एल्कीनों पर हम जल की अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें अल्कोहलों की प्राप्ति होती है। कैसे देखते हैं, एक रिएक्शन के माध्यम से CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी रिएक्शन जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्रिया मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होती है जब ये असममित एल्कीन हो, और अगर ये सममित एल्कीन है तब इन्हें इनमें सिंपली ऐसे ही रिएक्शन होती है। मैं इसको सिंपल करने के लिए जल के लिए HOH लिख दे रहा हूं। तो होता क्या है बेसिकली, यहां से मान लीजिए इस वाले कार्बन एटम ने जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो इस पर आ जाएगा इस वाले कार्बन एटम पर माइनस चार्ज और इस वाले कार्बन एटम पर प्लस चार्ज, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो चुका है। सेम यहां पर भी ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोक्सिल समूह पर माइनस चार्ज आता है और इस वाले पर प्लस चार्ज आता है। ये हमें दिखाने नहीं होते हैं, ये केवल समझने के लिए हमने यहां पर लिख लिए हैं। तब क्या होगा, प्लस वाले चार्ज को माइनस वाले चार्ज से अटैच कर देना है और माइनस वाले चार्ज को प्लस वाले से अटैच कर देना है। तो यहां पर CH2 ये प्लस का है, इसके साथ क्या जाकर के अटैच हो जाएगा, माइनस वाला चार्ज यानी कि OH, तो यहां पर ये बन गया CH2 और यहां पर इससे अटैच हो गया OH। इस वाले कार्बन मतलब जो CH2 समूह है इससे क्या जाकर के अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये बना लेगा, दो थे और एक हाइड्रोजन और आ गया, ये बन गया CH3। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। तो यहां पर एल्कीनों के जल योजन द्वारा भी अल्कोहलों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। आइए इनकी क्रियाविधि को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एल्कीन जल द्वारा अल्कोहलों का निर्माण करती हैं। देखते हैं इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो ये जो क्रियाविधि है वो तीन पदों में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, तीन पदों में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो पहला पद, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद में क्या होता है, जो एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH, ये
एल्कीन रही। एल्कीन क्या करती है, जल के अणु हाइड्रोनियम आयन, जो कि जल का अणु है, तो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं H2O, H O H। ये जो क्रिया है, ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसलिए क्योंकि यहां पर हमको प्रोटॉन चाहिए होता है, ये प्रोटॉन डोनर होता है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन इसको देगा और जिससे ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो क्या होगा, यहां पर ये प्लस चार्ज और ये हाइड्रोजन है, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो अब हमें इसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी ये एक एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया है। तो सबसे पहली केस में, पहले पद में क्या होता है, जो एल्कीन है वो क्या करती है, कार्बोधनायन का निर्माण करती है, क्या बनाएगी, कार्बोधनायन। किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें से इस वाले कार्बन एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, इस वाले ने डोनेट किया है और ये एक्सेप्टर है, ग्राही है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो इस पर आ गया प्लस चार्ज और इस वाले पर माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या होगा, इससे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, इनमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, वो यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा और यहां पर आकर के जुड़ गया। और ये जो जल का अणु है, ये एक हाइड्रोजन तो ये चला गया, इस पर जाकर के अटैच्ड हो गया, जब ये ब्रेक हुआ है तो ये तो प्लस हुआ और ये इस पर माइनस, तो ये इस पर पहले से ही कमी थी, तो ये पूरे हो गए और क्या बना लेंगे, ओ, यहां पर H और ये H, तो इस पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों आ गए, ये जल का अणु बाहर हो गया और एक हाइड्रोजन एटम था वो जाकर के इस एल्कीन के एक कार्बन एटम से जुड़ गया और एक पर इस वाले कार्बन एटम पर जो प्लस चार्ज क्रिएट हुआ था वो ऐसा का ऐसा ही रह गया, एक भाग पर हाइड्रोजन ने रिएक्शन कर ली है, एक भाग अभी रह गया है। तो ऐसे पदार्थ को जिसमें कार्बन परमाणु पर धन आयन होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोधनायन। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम मतलब पहले पद में एल्कीन कार्बोधनायन का निर्माण करती है। अब द्वितीय पद, द्वितीय पद में क्या होता है, जो कार्बोधनायन है, इस ये कार्बोधनायन जल के अणु से रिएक्ट करता है या जल का अणु इस कार्बोधनायन पर प्रहार करता है। तो यहां पर ये कार्बोधनायन ये रहा कार्बोधनायन, इस पर क्या होगा, जल का अणु, जल का अणु प्रहार करेगा और क्या होगा, ये इससे क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, कार्बन यहां पर ये दो हाइड्रोजन थे, क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन को दे रहा है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा,
प्लस चार्ज कैसा आ जाएगा, इसने दिया है तो इस पर प्लस चार्ज, और क्या होगा यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जल का अणु इस पर आकर संयोजित हो गया या अटैच्ड हो गया। अगले पद में तृतीय पद, अगले पद में क्या होता है, जो भी हमें ये योगात्मक पदार्थ मिला है ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इसका विप्रोटानीकरण करेगा। यहां से जो भी ये हाइड्रोजन है ये वाला, ये क्या होगा एक हाइड्रोजन एटम यानी कि प्रोटॉन को त्याग देगा। मैं यहां पर जल का अणु लिख दे रहा हूं इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन कोई सा भी एक हाइड्रोजन परमाणु इनमें से अलग हट जाएगा, मतलब निकल जाएगा और वो इस जल के अणु से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, और ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया है तो ये बन गया OH, और इधर C हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये, यानी ये हो गया, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2 और ये OH, यानी ये बन गया प्राथमिक एल्कोहल। और साथ ही साथ क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन परमाणु चाहे यहां से या ये वाला, ये क्या होगा अलग हटेगा, यहां से इसका विप्रोटानीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वो क्या होगा इस वाले जल के अणु से रिएक्ट कर लेगा और फिर से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है, ये फिर से हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो इस तरह से हमें ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यहां ये जो क्रिया विधि है उसमें हमने देखा जो एल्कीन है वो तीन पदों में क्रिया करके अल्कोहल प्रदान करती हैं। अगली विधि है, कौन सी, पांचवी विधि है, डाइबोरेन या बोरेन द्वारा, इस विधि में क्या करते हैं, बोरेन या डाइबोरेन की अभिक्रिया हम एल्कीन से कराते हैं जिससे हमें ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है, और उसकी ट्राई एल्किल बोरेन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं तब हमें अल्कोहल की प्राप्ति होती है। कैसे देखते हैं, कोई भी एल्कीन ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने कराई बोरेन BH3, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं इससे तो हमें इसके थ्री एटम मतलब तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं क्योंकि यहां पर बोरान की जो बैलेंसी है वो थ्री होती है, तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, किसी एक कार्बन परमाणु से जाकर के अटैच्ड हो जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बना लेगा, CH3 बॉन्ड CH2 का होल थ्राइ, तीन मॉलिक्यूल थे तो होल थ्राइ, और ये बोरान से रिएक्ट कर गया, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, और ये क्या है एल्कीन,
तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन या फिर बोरेन से कराते हैं, डाइबोरेन होता है B2H6 और यहां पर बोरेन BH3, तो जब हमने बोरेन से रिएक्शन कराई तो यहां पर हमें मिला ट्राई एल्किल बोरेन। इस ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन हम CH3CH2 का होल थ्राइज और बोरान, इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल CH3CH2 और OH, यहां से OH, और ये लेते हैं इसके तीन मॉलिक्यूल। तो यहां से अभी क्या बचा है, BH3 BH3 BO3, बोरिक एसिड मिलता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये था, ये है एल्कोहल और कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल। तो इस तरह से हम डाइबोरेन या फिर बोरेन की क्रिया एल्कीनों से कराएं तो हमें मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन, और जब इस ट्राई एल्किल बोरेन की हम रिएक्शन कराते हैं इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से तब हमें मिलता है एल्कोहल। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके गुणधर्म और फिनॉल्स के बनाने की विधियां, ईथर्स को बनाने की विधियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।